हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन लाइफ। आज मैं अपनी छोटी सी कोशिश आपसे शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड, अभी विंटर का समय है और विंटर बढ़ते ही जा रहा है, फिर भी मेरे मनी प्लांट की स्थिति कितनी बढ़िया है। मैं सोची थी कि जब डोरमेंसी में मेरा प्लांट चल जाएगा और जब इसकी पत्तियाँ झड़ने लगेगी तब मैं इसकी कटिंग करूँगी, लेकिन इसकी स्थिति इतनी अच्छी है कि मुझे इसकी कटिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है। और देखिए मेरी छोटी सी कोशिश, मैं इसे कितना अच्छा सा डेकोर कर ली हूँ चारों तरफ से। देखिए पहले ये मेरे सीढ़ी, ये मैं अपने सीढ़ी के नीचे ही रखी हुई हूँ जहाँ इसे ज़्यादा धूप भी नहीं पड़ती है और ना ही छाव ही मिलती है। ये ब्राइट लाइट में रखा हुआ है। पहले इसकी लत चारों तरफ से सीढ़ी के पास से इधर से उधर, इधर से उधर झूलता हुआ नज़र आता था, लेकिन अब मैं इसके लिए मैं स्टैंड बना दी हूँ जिससे कि इसका लुक भी बढ़ गया है। और देखिए ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसकी पत्तियाँ भी देखिए कितना अच्छा ग्रीन बना हुआ है। मैं इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र डालती हूँ फ्रेंड जिससे कि यह जो कहते हो इसी तरह बना हुआ रहता है। इसके लिए फ्रेंड विंटर के समय में किसी भी प्लांट के लिए गर्म खाद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो हमें सरसों खली से मिलता है। मैं इसे इसमें सरसों खली की फर्टिलाइज़र डालूंगी और आपको बताती हूँ कि वह मैं किस प्रकार इसमें डालती हूँ। यह है फ्रेंड सरसों की खली, इसे मैं 5 दिन पहले ही भिगो के रखी थी। यह चारे यह आसानी से आपको नर्सरी में या फिर वहाँ पर जहाँ पर जानवरों का खाना मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। यह 40 रुपये किलो मुझे मिला है, मैं आधा किलो इसमें डाल दी हूँ और 5 दिन के लिए भिगो दी हूँ। देखिए फ्रेंड यह बहुत ही गाढ़ा है। अब इसमें मैं उतना ही पानी मिलाऊंगी जिससे कि यह लिक्विड फॉर्म में आ जाए। मैं इसमें पानी मिला के फर्टिलाइज़र तैयार करूंगी। फ्रेंड पौधे को भी ठंड लगती है, उसे भी ठंड के कारण वो भी फ्लावरिंग अच्छी तरह नहीं कर पाती है, इसलिए विंटर के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है सरसों खली का फर्टिलाइज़र। यह पौधे को गर्माहट देता है, उसका ग्रोथ बढ़ाता है और सारे फ्लावरिंग करने में भी बहुत ही मदद करता है, इसलिए महीने में एक बार ज़रूर एक बार विंटर में इसे देना चाहिए। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह फर्टिलाइज़र कैसा लगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।